हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु, हमारे इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रकाश यशवंत अंबेडकर के बारे में। अभी हाल ही में राजनीतिक क्षेत्र में खलबली सी मच गई जब से इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। प्रकाश यशवंत अंबेडकर का जब से यह स्टेटमेंट आया है कि लोकसभा और विधानसभा में SC ST आरक्षण को खत्म करना चाहिए, और ऐसा बाबा साहेब अंबेडकर भी चाहते थे। प्रकाश यशवंत अंबेडकर हैं कौन? ये बाबा साहेब अंबेडकर के पोते हैं, मतलब ग्रैंड सन ऑफ B.R. अंबेडकर हैं। इनका जन्म आप देख सकते हो, 10 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था मुंबई में, और 1956 में B.R. अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जब बाबा साहेब अंबेडकर की मृत्यु हुई थी तब ये 2 साल के थे। अभी है क्या कि प्रकाश यशवंत अंबेडकर जी, इनको बाला साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक भारतीय पॉलिटिशियन भी हैं। सोशल एक्टिविस्ट के नजर से भी इनको समाज देखता है, एक राइटर तो है ही, और साथ में बाई प्राइम प्रोफेशन ये एक लॉयर भी है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि दोस्तों, जब भी बात होती है रिजर्वेशन की, आरक्षण की, जब भी बात होती है भारत में, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक नाम आ जाता है, B.R. अंबेडकर। हमारे दिमाग में एक मिथ है कि हर तरीके के आरक्षण को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर हमेशा उसके फेवर में ही रहते थे, लेकिन हम कभी भी उन चीजों को डीपली एनालिसिस नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल तरीके से उनसे निकल जाते हैं, और हमारे दिमाग में एक ये इमेज सी बन के रह गई है कि बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके रिजर्वेशन के ही बारे में चाहते थे, रिजर्वेशन को हर एक फील्ड में, उसके अलावा एक्चुअली उन्होंने कभी कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सबसे बड़ी खलबली तब मच गई जब प्रकाश अम्बेडकर जी के मुंह से ऐसा स्टेटमेंट आया। इस न्यूज के बारे में बता देता हूं, इसके सोर्स बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी हैं, बट यहाँ पर न्यूज चैनल्स की बात नहीं करेंगे। बीइंग एन एडुकेटर, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि रिलायबल वेबसाइट ऐसे जिनको हम देखते हैं जो कि इस न्यूज को कवर कर रही हैं। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। आप देख सकते हो आउटलुक ने इसको 14 जुलाई 2020 को इस न्यूज को कवर किया है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया है, और साथ में इस न्यूज को हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवर किया है। स्क्रैप पॉलिटिकल रिजर्वेशन सेज प्रकाश अंबेडकर, यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। इन वेबसाइट्स में, इन न्यूज़ेस के थ्रू क्या कवर किया गया है कि जो कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने बताई हुई है। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो प्रकाश अंबेडकर साहब हैं, ये अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते हैं। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम मे भी आप लोगों ने सुना हो, ध्यान रखिएगा, इनकी पार्टी का नाम है बहुजन समाज आजादी। अभी हाल ही में खलबली तब मच गई पूरे राजनीतिक क्षेत्र में जब प्रकाश अंबेडकर ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अनुसूचित वर्ग जिसको SC बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति जिसको ST बोलते हैं के सदस्यों के लिए राजनीतिक आरक्षण को समाप्त करने की मांग की है इन्होंने। उन्होंने हाल ही में कहा कि नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण जारी रहना चाहिए, ये इन्होंने कहा है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। संसद और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के सदस्यों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उक्त आरक्षण की शुरुआत की गई थी। यहां कुछ सीटें आरक्षित रखी गई थी, लेकिन केवल SC और ST के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति है। आगे इन्होंने कहा कि राजनीतिक आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कोई उद्देश्य नहीं है। इन आरक्षित सीटों पर निर्वाचन होने वाले लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के गुलाम बन जाते हैं, और लोगों की सेवा करने के बजाय वो अपने राजनीतिक आकाओं की सेवा में अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। इन्होंने यह भी कहा कि यह भी देखा जा सकता है कि अन्य जाति के मतदाता भी सामान्य सीटों पर, मतलब जनरल सीटों पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को वोट देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सोचे तो इसको हटाना बेहतर होगा, और इस तरीके से सोचे तो यह सर्वश्रेष्ठ भी होगा, बेस्ट होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, ना तो भाजपा मतलब BJP और ना ही कांग्रेस, कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें स्थिति का फायदा उठाने की अनुमति इसी के ही तहत मिलती है। क्योंकि आज की डेट में BJP की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन का ही फायदा उठाकर उसी को अपना मुद्दा बनाती है और उसी के तहत चुनाव जीतने पर बिलीव भी करती है। प्रकाश अंबेडकर जी ने यह भी कहा कि 1954 में उनके दादा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जिन्हें जाना जाता है, उन्होंने स्वयं इस प्रावधान को खत्म करने का आह्वान किया था। ऐसा इन्होंने खुद कहा। इन्होंने इस बयान को जब जारी किया, इसके बाद सारे राजनीतिक दलों ने, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, इनके लिए विपरीत प्रतिक्रिया दी गई है, क्योंकि उनका चुनाव में वोट बैंक ही आरक्षण का मुद्दा होता है, जाहिर सी बात है।
ये स्टेटमेंट था जो कि मुझे आपको बताना था। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, और वीडियो को ताबड़तोड़ तरीके से लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।